एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सी सेट की तैयारियों को जोरों शोरों पर सबने चला दिया होगा। सी सेट ऐसा एक आपका टॉपिक है, देखो बेसिकली सी सेट का जो आपका एग्जाम है ना जनरल साइंस, आप जीएस पेपर टू बोलते हैं, तीन पोर्सन होते हैं आपको पता है, आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड या जनरल मैथ एंड मेंटल एबिलिटी बोलते हैं इसको, नेक्स्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग और थर्ड आपका इंग्लिश। जैसे 2019 के बाद से एक फ्लो सा मतलब एक ट्रेंड टाइप बोलो आप चेंज हुआ था कि 2019 तक तो पहले क्या होता था 25-30 क्वेश्चन यहाँ से एप्टीट्यूड से, इतने ही क्वेश्चन आपके आते थे इंग्लिश से और 20 राउंड क्वेश्चन आपके क्या नाम है इंग्लिश और रीजनिंग से बन जाते थे ना, 25 यहाँ से 25 आपका इंग्लिश से और बचे हुए आपकी रीजनिंग के। बट 2024 अब आ चुका है, ठीक है, मतलब 2024 में हमने एग्ज़ाम देना है। 2019 में हुआ क्या, 2019 में पहली बार सीसेट में ना एप्टीट्यूड से 35-38 क्वेश्चन आए थे, अचंभा नहीं था। बिकॉज मेरे हिसाब से जैसे ही आप पिछला पेपर देखेंगे ना 18 का, जो मैंने डिस्कशन भी किया, अगर आप देखें ध्यान से देखिएगा डिस्कशन, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा आपको वहाँ पे, तो उसमें क्या था, उसमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लग गया था कि अब एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा चेंज होने वाला। तो अगर मैं 2023 के एग्ज़ाम की बात करूँ ना और पिछले जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उनको भी मैं इंक्लूड करूँ, तो मैं ईजिली ये कह सकता हूँ कि 2023 का पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था टोटली। मैं एग्री नहीं हूँ इस बात से कि वो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम था, वो मतलब सॉरी मैं इस बात से एग्री करूँगा कि वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आए थे 19, 20, 21, 22 का, उनमें थोड़ा थोड़ा लेवल अप होना शुरू हो गया था, तो लाजमी था कि 23 में भी कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। तो जो बच्चा ये कहता है यार ये तो नाइंसाफी थी, कोई नाइंसाफी नहीं थी, सिर्फ एप्टीट्यूड के कुछ 15-20% क्वेश्चन ही मुश्किल थे, 30% लगा लो, बट 50-60-70% पेपर ऐसे थे जो आप कर सकते थे, उसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, दोबारा भी डिस्कस करूंगा। अभी देखिए उसको एक एक क्वेश्चन को पार्ट वाइज लेके आ रहा हूँ ताकि 5-7 क्वेश्चन एक लेक्चर में हो और आप इजीली उसको कर सकें, क्लियर। तो जब तक आप इतना सोचेंगे ना दूसरा बच्चा इसको कर चुका है, मतलब जब आप सिलेबस शुरू करेंगे, जब तक कोई बच्चा सिलेबस ख़त्म करके वो आगे की तैयारी में लगा हुआ है और बिना जीएस की तैयारी को छेड़े तो कैसे होगा, मैं बताता हूँ। तो समझदार बच्चा वो तो ऑलरेडी जुड़ चुका है, आप अब कैसे करोगे आई डोंट नो, बट फिर भी बता दूँ। देखो हमने एक अर्ली सीसेट बैच ऑलरेडी शुरू कर दिया, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सीसेट का अर्ली बैच है, ठीक है। इसकी टाइमिंग्स क्या है, इस टाइम भाई 3-4.5, इसकी टाइमिंग्स क्या 3-4.5। अब इसमें होगा क्या, आपकी 4 दिन क्लासेस हैं, ठीक है, आपके टोटल लेक्चर्स 180+। आप कहेंगे सर इतना तो टाइम भी नहीं, 180 कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ वेट करो थोड़ा सा, बस तसल्ली से सुनो इस बात को, क्वेश्चंस भी करेंगे सब होगा बट डिटेल सुन लो एक बार, आपको यहीं पे पता चल जाएगा व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। टोटल लेक्चर 180+ है। अब इसके अंदर ये एक्चुअली क्या है, ये आपके पास ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच है, मतलब ये ऑफलाइन भी चल रहे हैं, आप आके भी फिजिकली लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते कहीं दूर से आप बात कर रहे हैं अब करना चाहते हैं अभिमन्यु आइस के साथ, तो आप क्या करिए आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अब ये जो 90 लेक्चर है ना, ये आपको मिल रहे हैं डेडिकेटेड 90 लेक्चर, कम से कम 1.5 से 2 घंटे के, आप कहोगे 2 घंटे मतलब 4:30 से 5:30, आप कहोगे सर 1.5 घंटे का लेक्चर 30 मिनट का है, थोड़ी तसल्ली रखिए, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया तरीके, क्लियर। अब देखो इस 90 में 50 आपके पास क्वांट के लेक्चर हैं, क्लियर, 25 बेटा लॉजिकल रीजनिंग के मिलेंगे और 15 आपके पास इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे। अब ये सोचो 50 क्वांट के लेक्चर हैं जो आपको मिल रहे हैं, जो लाइव हैं ऑडिट है सब है, अगर कोई छूट जाए बाद में भी देख सकेंगे आप इसको, ये भी आपके पास है फैसिलिटी ऑनलाइन के लिए, ठीक है। अब इसमें सारा लेक्चर आपका कवर होगा, अब हर जगह 2-2, 3-3 हज़ार में भी बैच मिल रहे हैं, कोर्स मिल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि बट देयर क्वालिटी क्या होगी आई डोंट नो, ठीक है। कई बोल रहे हैं इतने नंबर लाएंगे, तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, मैं जितना मर्जी बोलता रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास ये जो बैच है ना ये 100+ स्कोर के लिए, अभी बता दूँ आप, मैं उस रेस से आपको निकालना चाहता हूँ जिस रेस में बाकी बच्चे भाग रहे हैं, निकलिए उससे, ठीक है। ये तो 90 लेक्चर हो गए आपके पास, उसके बाद प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने आपके पास 15, MCQ प्रैक्टिस सेशन कितने आपके पास 50+, लाइव मेंटरशिप सेशन कितने आपके पास 30+, तो ये 180+ लेक्चर्स मिल रहे हैं।
अब आपके पास जो आपके वो लाइव बैच मिल रहा है ना, जो आपका लाइव लेक्चर है, उसके कुछ की फीचर्स हैं बेटा मेरे पास। और ये की फीचर क्या है, ये की फीचर क्या है, सुनो, ये की फीचर क्या है आपके पास। सबसे पहला आपको मिलने वाली है लेक्चर पीडीएफ इसके साथ, ठीक है। मतलब जो मैंने पढ़ाऊंगा, जैसे एप्टीट्यूड मैंने पढ़ाना है, मैनेजिंग द होल सेट ओवर देयर, तो उस लेक्चर की सबसे पहले लेक्चर पीडीएफ आपको लगी मिलेगी पोर्टल पे, ठीक है। नंबर टू, रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज आपका वो पार्ट है जहाँ पे थ्रेटिकल पार्ट कुछ कवर होता है। नंबर तीन में क्या है, नंबर तीन में इस लेक्चर के साथ आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस शीट। अब व्हाट इज प्रैक्टिस शीट, अब प्रैक्टिस शीट क्या होता है, जैसे मैंने आज टाइम एंड वर्क के नंबर सिस्टम कराया, तो जो टॉपिक मैंने उसको कवर किए हैं, सपोज कीजिए मैंने रिमाइंडर थ्योरम कवर किया, तो रिमाइंडर थ्योरम के 8 से 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको 30 मिनट्स में हम कवर करेंगे, ठीक है। नोट द होल पार्ट, बट वो पार्ट जिसमें आपको डाउट है, क्लियर। प्लस आपको यहाँ पे मिल रहा है वीकली डाउट सेशन, आपको मिल रहा है वीकली डाउट सेशन, मतलब जो हमने एक वीक में कवर किया है ना, वो आपको टेस्ट के तौर पे दिया जाएगा संडे को। टाइमिंग है उसकी 1 बजे। जो बच्चा ऑनलाइन लगाना चाहता है, पोर्टल पे पीडीएफ अपलोड हो जाती है, जब मर्जी दीजिए। ऑफलाइन देना चाहता है, टाइमिंग क्या आपका, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, क्लियर। तो अगर कोई डाउट हो तो 9517771651 पे कॉल भी कर सकते हैं, या इस पर व्हाट्सएप भी। और एक और बात बताऊंगा आपको लेक्चरिंग एंड, क्लियर। नेक्स्ट है भाई व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। सारे वीडियो सब इन्फॉर्मेशन उसमें अपने आप आ जाती है, क्लियर। चलिए भाई, तो आज का हमारा टॉपिक देखिए क्या था बेटा, हमारा था मेंसुरेशन 2D, क्लियर। हमारा क्या टॉपिक है, मेंसुरेशन। चलिए पहले क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं, क्लियर। ये व्हाट्सएप ग्रुप आप करना है तो कर लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बिटवीन देम इज 19 सेंटीमीटर। If area of trapezium is 475, then length of parallel sides is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखो ट्रेपेजियम सबसे पहले होता क्या है, ट्रेपेजियम आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ट्रेपेजियम का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है भाई। ट्रेपेजियम ऐसे होता है, जैसे मैंने बोला ये ए है, बी है, सी और डी। इसमें आपके पास ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल साइड्स होते हैं, क्लियर। क्या दिए, डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 4, मतलब आपके पास ए बी माइनस सी डी कितना दिए। सबसे पहले दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू मी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 19 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। देखिए सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे पास होता क्या है, 1/2 आपके पास होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब एच। तो यहां से मुझे एक कोरिलेशन मिलेगा, मतलब 1/2 into of AB plus CD, और हाइट कितने 19, चलो 475, तो इसको काटिए 19 × 38 और कितना बचा 95 AB plus CD कितना हो गया मेरे पास 25 × 2 इज हाउ मच, और AB minus CD कितना दिया मेरे पास 4। तो भाई ऐड कीजिए, तो ए बी 54, बी कितना हो गया 27, अगर ए बी 27 है यहाँ पुट करेंगे तो सी डी कितना आएगा, क्या 20 आ गया 23, बिकॉज दोनों का सम कितना दिया मुझे 50, तो ए बी डेफिनेटली सी डी से ग्रेटर होना चाहिए, वही मेरा आंसर आ रहा है। तो 27 and 23 इज द राइट आंसर, ठीक है। वैसे तो मैं, अगर मैं आपकी जगह होता ना, जब मेरे पास ये आया था ना, तो मैं ये आंसर लगा सकता था, बिकॉज और किसी में 50 मेरा बन रहा है, आंसर देखो किसी में नहीं, जबकि डिफरेंस एक यहाँ पे 4 है,
डिफरेंस भी कहीं चार नहीं है, तो एक्चुअली क्वेश्चन था जो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान रखिए। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर लॉन 55 मीटर बाय 35 मीटर हैज टू रोड्स ईच 4 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, वन पैरेलल टू लेंथ एंड अदर पैरेलल टू स्पेड्स, द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड एट 75 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा चाहिए मुझे, 75 बाय टू यानी 3 बाय 4, ठीक है, पैसे को मैंने रुपीज में कन्वर्ट कर लिए, आसान हो जाएगा। अब देखो इसका सबसे पहले डायग्राम देखो कैसे, डायग्राम वो ये क्या, लेंथ है मेरे पास 55 मीटर, ब्रेथ है मेरे पास 35 मीटर। फिर अब देखो जरा ध्यान से, उसने बोला इसके मिडल में ना दो रोड है, चलो भाई दो रोड बना लेते हैं ऐसे कर, नाम देता हूँ एक, इसको नाम देता हूँ, तो टोटल एरिया ऑफ रोड्स निकालना है पहले तो मुझे, वो कितना भाई देखो ये 55 हुआ ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ 55 है और ये कितना 4 है, ये 4 दिया हुआ अपने को 55 प्लस, ऐसे में 35 है और ये कितना 4 हो गया, तो 35 गुना 4 क्लियर, अब यहाँ पे एक ट्रिक है देखो, जब आपने ये वाली पट्टी ली है स्ट्रिप ली तो एक बार ये एरिया कवर हो चुका है, जब आपने ऐसे किया तब एक बार स्ट्रिप कवर हो चुका है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना ये 2 कवर हो गया, तो इसको एक बार क्या कर दो माइनस, ये ध्यान रखना बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इस वजह से आंसर भी चेंज हो जाएगा, क्लियर, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, क्लियर, तो देखो अगर मैं 4 यहाँ से कॉमन लेता हूँ कितना आएगा, 55 प्लस 35 माइनस, तो कितना होगा 90 माइनस 4 कितना, 86 इंटू 4 इंटू क्या 3/4 आया, बिल्कुल, क्योंकि अगर ए ये कितना हो गया ये मीटर स्केयर आए, इतने मीटर स्केयर के लिए निकालना है तो भाई कितना हो गया 4 6 आ गया आपका 2 और सॉरी 8 × 240 प्लस 18 ₹8 ऑप्शन नंबर का राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट करें फटाफट इसको, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो डरना नहीं, अब करना आपने, क्लियर, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, एक्चुअली स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बिल्कुल वही है। देखो अ मैन रन्स अराउंड अ सर्कुलर पीरियड ऑफ रेडियस 50 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, क्या मतलब रेडियस कितनी दी है 50 मीटर, क्लियर, एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, वट इज द टाइम टेकन बाय मैन टू टेक 20 राउंड ऑफ द फील्ड, देखो एक राउंड की बात करूंगा उसमें डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2πr, 20 राउंड में कितना करेगा 3×2πr यानी 40πr करेगा, क्लियर, अगर डिस्टेंस अपने पास क्या है भाई स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना आगे 40 22 बटे 7 ये डिस्टेंस आ गया, क्लियर ये आ गया ठीक है, एक मिनट 20 ठीक है 20×40πr और स्पीड कितनी है आपके 12 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये याद रखना जो आंसर आएगा आपका सेकंड्स में आएगा, आपको तो किस में कवर्ड करना है मीटर में, उसको मिनट में करना है आपको, देखो 6×12 कितनी 18 5×10 तो टाइम कितना आ गया आपके पास 40 तो 22/7 5 और उसको 1/60 कर दूं मैं, 1/60 करने से क्या होगा ये सेकंड वाला जो है मिनट में चेंज हो जाएगा भाई, देखो 0 से क्या 0 2×4 तो ये कितना हो गया
पांच दूनी दस, 220 बटा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है अगर आप ढंग से करोगे तो। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लीज नोट कीजिए। चलिए कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली जवाब दूंगा। ठीक है, अ टाइपिस्ट यूजेस अ शीट मेजरिंग 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर लेंथ वाइज, इफ अ मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर इज लेफ्ट ऑन ईच साइड एंड 3 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन द टॉप एंड बॉटम, द परसेंटेज ऑफ पेपर यूज फॉर टाइपिंग इज, बताइए कितना होगा। देखो सबसे पहले सुनो मेरी, क्या क्या हुआ, एक ऐसा पेपर है, ठीक है, ऐसा ही पेपर है, उसने क्या बोला आपको, उसने आपको बोला कि भाई आप क्या करो, लेंथ वाइज 30 है, ठीक है ना, 20, उसने बोला इफ अ मार्जिन 2 सेंटीमीटर ईच साइड, मतलब ये कितना मेरा 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 हो गया, अच्छा टॉप बॉटम में कितना है, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 24। एक्चुअली में जो एरिया कवर करना था वो कितना था, कवर किया कितना है मैंने 24 गुना 16 यानी कितना 640, सॉरी 320, 640 नहीं 120 प्लस 64 आउट ऑफ 100 कितना हो गया 3 4 बाय 10 कितना हो गया, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये कितना अंदर वाला, ये वाला, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 64%। क्लियर, ध्यान रखिए थोड़ी थोड़ी चीजों का कि एक्चुअली में करना क्या, ठीक है, अगर ये टोटल 20 था, दो यहां से क्या, दो यहां से क्या 16 बचा, अगर ये टोटल 30 था, तीन ऊपर से क्या, तीन ऊपर से क्या कितना बचा 6 बचा, सॉरी 6 गया 24, तो 24 गुना 16 मेरे पास टोटल एरिया जो मैंने कवर करना है, जिसमें लिख सकता हूं टोटल एरिया कितना है, हमेशा नीचे आता आपको पता ही है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड सच अ वे दैट ईच पीस टचेस टू अदर पीसेस, द एरिया ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय 4 पीसेस, ऐसे ही है। इसमें क्या 4 पीसेस ऐसे काट लिया आपने, आपको बताना एरिया कितना है। एक्चुअली में होता क्या, इसमें स्केयर आता है, ऐसे बनेगा, ठीक है, रेडियस कितना दिया है 7, एक्चुअली में होता क्या है आपका, अगर आपके पास एक स्केयर है, देखो इस सेम केस है, अगर एक स्केयर में से आप सर्कल काट लो, अगर स्केयर में से आप सर्कल काट लो कैसे भाई, तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, सर्कल के चार पार्ट कट गए, मतलब पूरे इसका एरिया कितना है 14 हो गया, 14 हो गया, यानी 14 का स्केयर माइनस ऑफ आई आर स्केयर, रेडियस कितनी होगी इसकी, तो 196 माइनस ऑफ 22 बटे 7 इंटू ऑफ 196 42 आया मेरे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा टेम्परामेंट चाहिए, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी। क्लियर, चलिए भाई अब हम बात करेंगे माइक्रो कोर्स, व्हाट आर माइक्रो कोर्स, व्हाट इज माइक्रो कोर्स, अभी मीडिया क्यों इतना हमेशा फोकस करता है माइक्रो कोर्स, बिकॉज माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, जिस आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना, आपको सिर्फ वो चीज परचेज करनी है, जरूरत है जिससे नंबर सिस्टम ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
एग्जाम चूज करेंगे, हमने किया है सीसेट। चलिए सिविल सर्विसेज सीसेट, देखिए यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन आपको, यहाँ पे सारे वीडियो कोर्सेज, और यहाँ से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पॉपअप खुल जाता है। क्लियर, यहाँ पे टेस्ट कोर्सेज यहाँ पे क्या आपके पास क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर है, कॉल मी या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक फिर से आ गया। देखिए सबसे पहले मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, जिसने बच्चों को डरा दिया भैया, पूरा आपके पास देखो बंडल जो है ना 32 माइक्रो कोर्सेज है सिंपल क्लियर एक बंडल में। अगर करना चाहें 3436 रुपये का है, 3436। बट अगर सिर्फ आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करें जैसे नंबर सिस्टम, भाई 10 लेक्चर्स हैं, 324 क्वेश्चन हैं, 9 वेब नोट्स और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। अब इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कितना जोर दिया जा रहा है, रीज़न कि आपके पास ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। क्या स्पेशल फीचर, सबसे पहले 6 मिनट का ट्रायल है, 421 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, आपके पास प्रीवियस ईयर कवर है, बट इनको आप ऐसे टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हैं। क्लियर, तो 6 मिनट का ट्रायल जरूर लेके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई पैसा नहीं। नेक्स्ट जैसे सिंप्लीफिकेशन है बेटा, 114 रुपये के 4 लेक्चर, 1 वेब नोट्स और 117 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्लियर, परसेंटेज आपके पास 167 रुपीज़ का है, 4 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स और 277 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास। क्लियर, ऐसे ही सबका है, सबका। अभी आपको एक सरप्राइज भी दिखाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, जैसे चेक बंडल ऑफर फॉर कंप्लीट, 2646 का कंप्लीट बंडल है, बट जैसे आपने पजल टेस्ट करना है तो 17 लेक्चर्स हैं, 245 के, ठीक है, 7 वेब नोट्स है। वेब नोट्स क्या होता है, वेब नोट्स उस चैप्टर की थ्रेटिकल पार्ट को कवर करता है। क्लियर, अब जैसे रैंकिंग एंड ऑर्डर है भाई, 6 लेक्चर्स हैं, 130 रुपये का, ठीक है, ऐसे ही सारा रीजनिंग का दिया हुआ आपके पास। नेक्स्ट है मेरे पास आपके पास, नेक्स्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर, जैसे पूरा बंडल 413 का है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 100% आता ही आता है, आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है। 3149 का 6 लेक्चर है, 1 वेब नोट्स और 986 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वर्ड बिल्डिंग एंड टर्नम्स उन्होंने 50, ठीक है आपके पास। जैसे देखो एक चीज़ और, ये वाला तो आपका बैच है जो आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जैसे मिस्टर स्पर्श यादव 51 रैंक था 2023 में, ठीक है, आपका अगर मैं अर्णव मिश्रा की बात करूँ 56 रैंक जी, रैंक जतिन जैन की बात करूँ 90, तो ये सारे वो गिरे हैं जिनको तराश के ऑफिसर बना दिया अभी उन्होंने इसने। क्लियर, बट इन्होंने ट्रस्ट दिखाया, इन्होंने ट्रस्ट दिखाया कि सारा इनका लिखा हुआ, देखिए जो जो ऑफिसर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल से प्लीज़ पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कैसे उन्होंने डेडिकेशन किया, कैसे हमने उनकी हेल्प की, क्लियर, कैसे उन्होंने आपको पॉजिटिव रखा थ्रू आउट द तैयारी। क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे।